दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको सुनने के बाद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट, बॉलीवुड के मिस्टर किंग खान और बॉलीवुड के मिस्टर दबंग के जो दीवाने हैं वो खुशी से झूम उठेंगे। तो भाई क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूँ कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान को, बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान को और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी कि आमिर खान को किसी फिल्म में एक साथ देखने की कामना करते हैं? अगर आप ऐसी कामना करते हैं तो भाई ये खबर कुछ उसी दिशा में आपका ध्यान केंद्रित करने वाली है। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया ये मिरेकल बहुत जल्दी ही आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म यानी कि लाल सिंह चड्ढा के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर करने वाले हैं। लेकिन भाई उनकी इस फिल्म में ये जो मिरेकल होगा यानी भैया तीनों खान किसी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे तो भाई ये फिल्म तो वो होगी, लेकिन भैया तीनों खान एक साथ किसी भी फ्रेम में लाल सिंह चड्ढा में नजर नहीं आने वाले हैं। यानी कि भैया आमिर खान की आने वाली इस फिल्म में भैया शाहरुख खान तो नजर आएंगे, सलमान खान तो नजर आएंगे, लेकिन भैया ये दोनों खान अलग अलग हिस्सों में नजर आएंगे। लेकिन भाई अब जो खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको सुनने के बाद आप भी ये कहोगे कि भैया ये मिरेकल जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यानी कि भाई खबरें निकल के आ रही है कि आमिर खान ने एआर मुर्गा दोस्त के साथ मिलकर एक मीटिंग की है, मतलब ये हिडन मीटिंग हुई है। यानी कि भैया एआर मुर्गा दोस्त जो हैं वो इन तीनों खान के साथ में एक मीटिंग कर रहे हैं एक फिल्म को लेकर कि भैया वो इन खानों के साथ एक फिल्म बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। यानी कि भैया एआर मुर्गा दोस्त ने अपनी एक इच्छा जताई थी आमिर खान के साथ कि वो सलमान और शाहरुख को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं और भाई इस फिल्म के लिए वो इन दोनों कलाकारों से मीटिंग करना चाह रहे थे और भाई इस मीटिंग का अरेंजमेंट जो है वो आमिर खान ने करवाया है। यानी कि भैया ये तीनों खान एक साथ इस फिल्म के लिए मीटिंग करते नजर आए हैं और खबरें निकल के आई है कि भैया ये जो फिल्म है इसकी घोषणा 2023 में कर दी जाएगी। यानी कि भैया इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो इन तीनों खानों को सुनाया जा चुका है और खबरें यहां तक आ रही है कि भैया ये जो स्क्रिप्ट है वो इन तीनों खानों को पसंद आया, लेकिन भैया इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है कि जैसे ही इस फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होगा और ये फाइनल ड्राफ्ट जब ये तीनों खान सुन लेंगे तो ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी। यानी कि 2023 में ये फिल्म एआर मुर्गा दोस्त के डायरेक्शन में फ्लोर पर जाएगी और खबरें आ रही है इस फिल्म को लेकर कि भैया सलमान खान और शाहरुख खान इस फिल्म के लिए तो हाँ बोल चुके हैं, लेकिन अभी आमिर खान जो हैं वो थोड़ा सा गैप बना कर रखे हैं। तो दोस्तों आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया अगर ये फिल्म फ्लोर पर जाती है और ये तीनों खान एक साथ इस फिल्म में नजर आएंगे तो भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कितना धमाल मचाएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।